दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था? वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हैं कदम। आज के इस वीडियो में हम एक जावा का प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम एरिया कैलकुलेट करेंगे और पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे। किसका एरिया एंड पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे? सर्कल का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एरिया एंड पैरामीटर ऑफ सर्कल कैलकुलेट करेंगे। उसका एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे जिसमें आप यूज़र इनपुट मतलब कंसोल से इनपुट ले सकते हो और कोडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, क्या प्रोग्राम है मेरा, क्या क्वेश्चन है? राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू कैलकुलेट एरिया एंड पैरामीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का कैलकुलेट करोगे ना आप एरिया एंड पैरामीटर। तो दोस्तों, कैसे होगा देखो कंडीशन। हम इस बार यूज़र से इनपुट लेंगे, कंसोल से इनपुट लेंगे। तो क्या कंडीशन है देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी क्लास बनाऊँगा। क्लास मैंने बना ली, क्लास नेम क्या लेते हैं? चलो आपकी कंडीशन के हिसाब से हम सर्कल ही लेते हैं। मैंने सर्कल क्लास नेम ले लिया। अब क्या करेंगे, हम मेन मेथड बनाएंगे। मेन मेथड क्या होता है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेरा मेन मेथड है। अब इसके अंदर क्या कंडीशन है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग आर्ग्स पास कर दिया। इन सब का डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो आपको अभी तक मिल गई होगी जिसमें हमने इन सब की टर्मिनोलॉजी डिटेल में समझी थी। तो स्ट्रिंग आर्ग्स यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब क्या करना है दोस्तों, हमें यूज़र से इनपुट लेना है। अगर मैं आपको ब्रीफ आइडिया दूँ कि एरिया एंड पैरामीटर कैसे कैलकुलेट होगा, एरिया का सिंपल फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का। अगर मैं आपको ये सर्कल बना के दिखाऊँ तो सर्कल में ये वाली चीज़ होती है सेंटर। सेंटर से किसी भी पॉइंट तक जो एंड पॉइंट को टच करेगा, मतलब ये जो ये बाहर वाला पॉइंट है ना, ये इसे टच करेगा, इसे बोलेंगे रेडियस। आपको इतनी चीज़ तो पता ही होगी अगर आप इसका कोड बना रहे हो। रेडियस सेम होती है चारों तरफ, आप किसी भी डायरेक्शन में ले लो, ये सारी रेडियस है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? टू पाई आर होता है, नहीं पाई आर स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस। पाई क्या है? मेरी फिक्स वैल्यू है। पाई की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 22/7 होती है, 22/7, या फिर आप बोल सकते हो 3.1416 एंड सो ऑन, इसकी ये वैल्यू होती है। अब दोस्तों, पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर होता है इसका 2πr, ये इसका पैरामीटर है। अब हम इसके थ्रू अपनी कोडिंग करते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या वैल्यू फिक्स है? इसमें 2πr तो फिक्स है ना, ये इसमें वैल्यू क्या चेंज होगी? आर, मतलब हमें रेडियस यूज़र से इनपुट लेनी पड़ेगी। तो कैसे लेंगे रेडियस यूज़र से इनपुट? तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक कंडीशन पास कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये यूज़र से इनपुट लेना है। हमने अपनी वीडियो में क्या सीखा था कि हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो दोस्तों, स्कैनर क्लास क्या होती है? देखो, स्कैनर क्लास का क्या ऑब्जेक्ट बनाऊंगा? स्कैनर लिखा मैंने, उसके बाद मैंने लिख दिया sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट in, ये कंडीशन लिखी मैंने। अब दोस्तों, ये वाली कंडीशन है। अब स्कैनर क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट तो बना लिया, लेकिन जोन से पैकेज में, कौन से पैकेज में स्कैनर क्लास है? जावा डॉट यूटिल पैकेज में। उसे इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। तो कैसे इंपोर्ट करेंगे? तो यहाँ पे अपने प्रोग्राम में एक लाइन लिखनी पड़ेगी हमें सबसे टॉप पे, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये कंडीशन लिखी आपने, ये हमारा पैकेज हो गया इंपोर्ट। अब हम इसका ऑब्जेक्ट बना पाएंगे। अब मैं सिंपल कंडीशन यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल कंडीशन डिस्प्ले कर दो। चलो मैं यहाँ कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, एंटर द रेडियस ऑफ, एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। हमें क्या करना है? रेडियस ऑफ सर्कल इनपुट करवानी है, रेडियस ऑफ सर्कल ये इनपुट करवा ली। अब दोस्तों देखो, रेडियस हमें सर्कल की रेडियस लिखनी है। ये वैल्यू मोस्टली पॉइंट में होती है, डेसिमल में होती है, जैसे 3.4, 4.6, ये वैल्यू डेसिमल में होती है। तो एक काम करते हैं, हम इसे डबल डेटा टाइप में रीड करवा लेते हैं। तो वेरिएबल एक मैं ले रहा हूँ आर के नाम से, और जो उसका डेटा टाइप ले रहा हूँ मैं, वो लेता हूँ डबल। तो मैंने यहाँ पर सिंपल वेरिएबल लिया डबल
इसका आर डबल डेटा टाइप है, एक वेरिएबल मेरा आर है, इसमें कैसे रीड करवाऊंगा, एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट लिखा मैंने और ये डबल से मैंने ये कंडीशन रीड करवा दी। अब एक काम करता हूँ, मैं आपको इसका एरिया कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। उससे पहले एक चीज़ दोस्तों, क्या आपने अपने कीबोर्ड में कभी पाए देखा है, आपने अपने कीबोर्ड में इतनी सारी की होती है, क्या आपके कीबोर्ड में पाए होता है या किसी और तरीके से हम पाए ले सकते हैं? पाए जैसी कोई कंडीशन नहीं होती कीबोर्ड में। तो दोस्तों हम पाए तो कहीं लिख नहीं सकते कि पाए मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हमारे कीबोर्ड में पाए नहीं होता। तो कैसे कंडीशन इंप्लीमेंट करेंगे आप, या तो 22/7 लिखिए या 3.1416 लिखिए। आइए दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया डबल एरिया, जिसके अंदर मैं अपना एरिया स्टोर करूँगा। आइए कंडीशन आपको, अब एरिया में मैंने क्या किया, या तो मैं 22/7 ले लूँ, जैसे 22 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर ये लिखा मैंने एंड डिवाइडेड बाय 7, इससे मेरा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। या फिर दोस्तों अगर आपको ये वाली कंडीशन लिखनी तो आप एक काम कर सकते हो, 3.1416 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर, आप ये वाली चीज़ लिख सकते हो या ये वाली चीज़ लिख सकते हो, मतलब आप इन दोनों में से एक चीज़ लिखो, आपका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। और ये है कमेंट का साइन, जिसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो मेरा एरिया कैलकुलेट हो गया, अब मैं बड़े प्यार से इसे डिस्प्ले कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर देता हूँ system.out.println the area of triangle is, एरिया ट्राइंगल का है या सर्कल का है, सर्कल का है। तो दोस्तों यहाँ पे कंडीशन में आप सर्कल लिख लो, वैसे मैसेज में आप कुछ भी लिख सकते हो, वो मेन प्रायोरिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको सही वाली चीज़ लिखनी है। द एरिया ऑफ सर्कल इज, आपने क्या डिस्प्ले कर दिया, प्लस एरिया आपने यहाँ पे कर दिया डिस्प्ले। आइए आपको कंडीशन समझ में, और ये मैंने अपना मेन मेथड क्लिक बंद कर दिया और ये मैंने अपना क्लास बंद कर दिया। दोस्तों देखिए आपने कंडीशन, हमने कितने आराम से इसका कोड बना लिया एरिया कैलकुलेट करने का। तो देखो दोस्तों हम फटाफट इसका एक बार प्रैक्टिकल भी देखते हैं। देखो दोस्तों सबसे पहले हम अपनी क्लास बनाते हैं। क्लास क्या बनाई मैंने यहाँ पे, सर्कल के नेम से क्लास बनाई। इसके बाद मैं मेन मेथड बना लेता हूँ अपना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद मैंने लिखा स्ट्रिंग आर्क्स। अब दोस्तों ये मेन मेथड क्या होता है, इसकी आपको डिटेल वर्किंग समझ आ गई होगी कि ये मेथड क्या होता है, इसकी टर्मिनोलॉजी का क्या नेम है, किसका क्या टास्क है। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं करी तो मैं आपको ऊपर लिंक दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल कंडीशन डालता हूँ, स्कैनर क्लास का हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट आई एन। अब दोस्तों अगर हम स्कैनर क्लास यूज कर रहे हैं तो हम इसका पैकेज भी तो इम्पोर्ट करेंगे, कोई बात नहीं कर लेते हैं, कोई उनका हमारा कुछ जा रहा है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, हमने पैकेज इम्पोर्ट कर दिया। अब देखो दोस्तों क्या कंडीशन है, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक वेरिएबल दे रहा हूँ, चलो वेरिएबल डबल ही लेते हैं आपके अकॉर्डिंग, डबल आर इक्वल डबल आर ले लेते हैं। अब मैं यूजर से पूछता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यूजर ने डाली कि रेडियस ऑफ द सर्कल, हमने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया यूजर को। अब हम आर रीड कर लेते हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं, एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, ये मैंने ले लिया इनपुट यूजर से। अब देखो दोस्तों हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ डबल एरिया इक्वल टू, एरिया क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। आप 3.1416 भी ले सकते हो या फिर 22/7 भी ले सकते हो, आर मल्टीप्लाई बाय आर ये आ गया। अब आप इसे सिंपल डिस्प्ले करवा दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन द एरिया ऑफ सर्कल इज, द एरिया ऑफ सर्कल इज, आपने ये एरिया यहाँ पे करवा दिया डिस्प्ले, एंड ऑफ मेन एंड ऑफ क्लास हो गया ये। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ, हो गया कंपाइल, नो एरर। तो दोस्तों एक काम करते हैं, फटाफट हम इसका आउटपुट निकालते हैं। यहाँ पे मैंने आउटपुट निकाला, ये क्या कंडीशन पूछ रहा है, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस मैंने डाल दी 7.7। अब देखो दोस्तों एरिया कितना आया, 186.265464, इसे मैं कर देता हूँ क्लियर। अब देखो एक कंडीशन और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने ये एरिया दबाया ना, यहाँ पे आप डाल सकते हो एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल इन सेंटीमीटर,
अगर आप ये डाल रहे हो तो आप इसके बाद ये चीज भी डिस्प्ले कर सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे ये चीज आप लिख दो तो वहां पे यही चीज आ जाएगी। ये मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ये कर दिया इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब देखो दोस्तों मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, इस बार रेडियस हम डाल लेते हैं यहाँ पे 7.7। मैंने रेडियस डाली तो एरिया क्या आ गया मेरा, इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको इसमें स्पेस छोड़नी है तो आप ये चीज भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, आपने यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी ताकि आप यूनिट भी डिस्प्ले करवा सकते हो। आइए आपको कंडीशन समझ में, दोबारा देखो ये देखिए मैंने, तो यहाँ पे मैंने दोबारा से रेडियस डाल दी 7.7 डाला तो स्पेस आ गई, आ गया हमारा रिजल्ट। तो दोस्तों देखो, तो दोस्तों देखा आपने, हमने कितने बड़े आराम से बड़े प्यार से एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब कंडीशन थोड़ी सी चेंज करते हैं, अब हम पैरीमीटर कैलकुलेट करना सीखते हैं। कैसे पैरीमीटर कैलकुलेट करेंगे, तो 2πr सिंपल फॉर्मूला, आपको रेडियस तो इनपुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डबल आप अपना वेरिएबल चेंज कर दो, जैसे मैं अपना वेरिएबल ले लेता हूँ PER, मैंने PER वेरिएबल लिखा। तो अबकी बार क्या कंडीशन है, 2πr है, तो 2πr 2π 22/7 इंटू आर होगी कंडीशन आपकी कंप्लीट। तो आ गया दोस्तों आपको समझ में, 2πr मैंने इसका फॉर्मूला लगा दिया सिंपल, और यहाँ पे मैं अपना ये डिस्प्ले कर देता हूँ, PER डिस्प्ले कर देता हूँ, और यहाँ पे पैरीमीटर डिस्प्ले कर देता हूँ। देखो दोस्तों कितनी आसान कंडीशन है, द पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ऑफ सर्कल इज, यहाँ पे PER आपने कर दिया डिस्प्ले, ये चीज होगी दोस्तों डिस्प्ले, एंड ऑफ मेन एंड ऑफ क्लास। तो इसके थ्रू आप पैरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हो, पैरीमीटर क्या होता है 2πr, और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आइए आपको कंडीशन, तो एक काम करते हैं हम फटाफट जल्दी से बड़े प्यार से इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो दोस्तों देखो, तो अब हम कंडीशन स्लाइडली चेंज करते हैं, अभी तक हमने एरिया निकाला ना, तो कोई बात नहीं हम यहाँ पे पैरामीटर निकाल के भी दिखा देते हैं आपको। मैं यहाँ पे डबल एक और कंडीशन लिख रहा हूँ, PER पैरामीटर वाली कंडीशन लिखी मैंने। पैरामीटर क्या होता है दोस्तों, 2πr, पाई की वैल्यू क्या है, चलो अगली बार मैं आपको 22/7 लेके दिखाता हूँ। 22/7 एक काम करो, पाई 2πr होता है ना, 2πr आपने ऐसे लिखा, इसे हमने डाला ब्रैकेट में और इसे कर दिया डिवाइड बाय 7। आइए आपको कंडीशन समझ में, ये मैंने आपको अपनी थ्योरेटिकल क्लास में भी समझाया था कुछ क्षण पहले, और यहाँ पे आप सिंपल ये कंडीशन डिस्प्ले कर दो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया मैंने। द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज, द पैरीमीटर ऑफ द सर्कल इज, यहाँ पे आप ये वाला वेरिएबल डिक्लेयर कर दो या फिर प्रिंट कर दो, यहाँ पे आप ये वाला वेरिएबल प्रिंट कर दो, और इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर। अब मैं इसे करता हूँ कंपाइल, अब देखो दोस्तों इसका आउटपुट निकालते हैं, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ, रेडियस ऑफ द सर्कल हमने डाल दी चलो 7.7। इसका ये जो ये एरिया ये आया, और इसका पैरामीटर ये आया। आगे आपको समझ में, कितना आसान कॉन्सेप्ट है, देखा आपने हमने कितनी आसानी से पैरामीटर भी निकाल दिया, एरिया भी निकाल दिया, आप कुछ भी निकाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपको आया कुछ आइडिया कि हम यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं? तो दोस्तों देखो, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड प्रेस दैट बेल आइकन। मैं जल्दी हाजिर होता हूँ एक और कमाल फ्रेश जावा की वीडियो के साथ, सो स्टे ट्यून्ड।